नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन ब्रांड न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। झांसी की नदियों में अवैध बालू खनन जोरों पर चल रहा है, प्रशासन मौन बना हुआ है। सूचना मिलने पर भी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचते, जिससे राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है। जी हां, आपको बता दें, मऊरानीपुर से निकली सुखनई नदी के राष्ट्रीय राजमार्ग के सितोरा मोड़ पर प्रतिदिन भारी संख्या में ट्रैक्टर अवैध रूप से बालू का खनन कर रहे हैं, जिसकी सूचना मिलने पर उक्त स्थल पर कवर करने पहुंचे पत्रकारों के पहुंचते ही ट्रैक्टर चालकों में हड़कंप मच गया। कुछ चालक ट्रैक्टर छोड़कर भागे तो कुछ चालकों ने ट्रॉली से बालू पलटाकर खाली कर ट्रैक्टर लेकर भाग गए, जिसकी सूचना प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। बालू माफिया मौके पर पहुंचे एवं बालू से भरा खड़ा एक ट्रैक्टर के चालक को बुलाकर ट्रैक्टर को ले गए। उक्त मामले को देखकर लोगों ने कहा, सूचना मिलने पर भी प्रशासनिक अधिकारियों का मौके पर नहीं आना प्रशासनिक अधिकारियों एवं बालू माफियाओं के बीच साठगांठ होना प्रतीत होता है। वहीं पर भाजपा के वर्तमान नगर अध्यक्ष बालू के ट्रैक्टर निकालते नजर आए। अवैध बालू खनन से राजस्व के हो रहे नुकसान को देखते हुए जिले के उच्च अधिकारियों को कार्रवाई करने की आवश्यकता है। क्या नाम आपका? हमारा नाम सुरेश कुमार। किस ग्राम से निवासी हैं आप? सितोरा के हैं। जी, यहाँ पर बालू के ट्रैक्टर लग रहे हैं, क्या मामला है? यहाँ पर सफाई कोई ठेका एका है नहीं है, यहाँ पर रोजाना ट्रैक्टर लगे रहते हैं। हमारे गांव में निकलते हैं तो सड़क भी खराब हो रही है। लगभग कितने ट्रैक्टर निकलते हैं? लगभग यहाँ रोजाना कम से कम 40-50 ट्रैक्टर 100-100 निकलते रहते हैं। इसकी शिकायत नहीं की आपने अधिकारियों से? अब देहात पर अगर कोई किसी की कहता नहीं है, एक आदमी के कहने से क्या फर्क पड़ता है सरकार को? एक दिन में कितने ट्रैक्टर आते हैं? एक दिन में करो 50-60 ट्रैक्टर रोजाना निकल जाते हैं। तो यहाँ का ठेका नहीं है? ना, यहाँ का कोई ठेका नहीं है। ठेका तो बहुत आगे। अच्छा, ठेका बहुत आगे, बहुत आगे ठेका। यहाँ का कोई ठेका नहीं है, सारे धान भाई मचाते हैं। यहाँ पर कोई देखने का अधिकारी नहीं आता? कोई आता ही नहीं है। आता है तो 150 रुपए लेके चला जाता है ट्रैक्टर वालों से, कोई किसी का कहता नहीं है। इंडियन टाइम न्यूज के लिए मऊरानीपुर से संवाददाता नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट।